दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में अगर आप खुद भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपका चेहरा चहकने लगेगा, एकदम चमचमाने लगेगा, शाइनिंग आ जाएगी आपके चेहरे में। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह एक ऐसा बहुत हाई डिमांड वाला बिजनेस है और यह बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है। और दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा बुजुर्ग भी इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता भी है इसको। और इस प्रोडक्ट को हर टाइप के लोग, चाहे गांव के हों या शहर के हों, चाहे कोई भी हो, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सब लोग करना बहुत पसंद करते हैं और खरीदना भी चाहता है। तो दोस्तों, मैं आज जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो है एलोवेरा पाउडर का। एलोवेरा जेल का नाम तो आपने बहुत ज्यादा ही सुना होगा, लेकिन दोस्तों एलोवेरा पाउडर की भी आज बहुत ज्यादा डिमांड है। और एलोवेरा पाउडर जो होता है इन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने जेल का भी नाम सुना होगा, और एलोवेरा पाउडर बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी है और बहुत ही ज्यादा इसका रिजल्ट है, इसलिए इसे सब लोग खरीदना चाहते हैं। और इस एलोवेरा पाउडर के कुछ ऐसे अद्भुत रिजल्ट हैं जिसके कारण सब लोग इसे पसंद करते हैं। और दोस्तों, इस एलोवेरा बिजनेस के बारे में मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इसका बिजनेस करेंगे तो डेली 10 से 20 हज़ार रुपये डेली आप कमाएंगे पर डे। और दोस्तों, इस एलोवेरा पाउडर का प्राइस क्या है और किस रेट में बिकता है, इसको मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं अमेजॉन की वेबसाइट में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप इसको देखिए कि कितना महंगा है। 100 ग्राम पाउडर 274 रुपया का मिनिमम है, मतलब कम से कम इसका रेट है 100 ग्राम पाउडर का 274 रुपया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप अपने घर से इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ना बेचने की झंझट है। आप अपने घर में प्रोडक्ट बनाइए और ऑनलाइन सेल करिए। ऑनलाइन आप खुद सर्च कर लीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट जो भी ये काम कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को दे नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इस प्रोडक्ट की मांग है। आप ऑनलाइन जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट की कमी हमेशा बनी रहती है, इतनी ज़्यादा मांग है यहाँ इंडिया में। और विदेशों में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों, ये एलोवेरा पाउडर मात्र 100 ग्राम 274 रुपया का है, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 1 किलो में कितना महंगा बिकता है। और इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो ये मार्केट में रॉ एलोवेरा आपको 40 से 50 रुपये किलो बड़े आराम से मिल जाता है। इसकी आज मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसे आप एलोवेरा का या तो आप पेड़ भी लगा सकते हैं, और इतना ज़्यादा तो आप पेड़ आप लगा नहीं पाएंगे, तो आप 40 रुपये किलो भी इसे खरीद सकते हैं। और उसके बाद इसको कैसे पाउडर बनाना है ये मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा आज। और दोस्तों, इस एलोवेरा पाउडर को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो इस मशीन के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। इस मशीन की कीमत मात्र 2,000 रुपये है, छोटी मशीन है। और उसके बाद आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि कैसे बनाया जाता है। दूसरा सरल तरीका है, अगर आपको मशीन नहीं भी लेना है तो आप अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं, इस एलोवेरा को खरीद सकते हैं। एलोवेरा बहुत जगह इतना ज़्यादा पैदावार होती है कि 30 रुपये 40 रुपये किलो बड़े आराम से दे देते हैं। और 2 किलो एलोवेरा के लेने में आपको लगभग 1 किलो पाउडर बड़े आराम से निकल आता है। अब आपको एलोवेरा को क्या करना है कि एलोवेरा को लेके छीलना है, दोनों साइड से पहले काट देना है, उसके बाद बीच से आप चाहें तो इसका जेल भी निकाल कर अलग से बेच सकते हैं। आप चाहें तो जेल अलग से निकाल लें और इसका जो बाहर का वो बचता है छिलका उसे आप सुखा लें और उसके बाद इसका पाउडर बना लें। इसका पाउडर बनाने के लिए अगर आपको मशीन नहीं लेना है तो आपके घर में मिक्सी होगी, ग्राइंडर होगा, तो मिक्सर या ग्राइंडर के थ्रू इसे एकदम महीन पीस कर और प्लास्टिक की पैकिंग में या कि किसी पन्नी में, या आप चाहें तो डिब्बा 7 रुपये 8 रुपये मिल जाता है डिब्बा, तो उसमें भी पैक करके आप इसे बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर से पूरा काम कर सकते हैं। लोग खुद ऑर्डर करेंगे और उसके बाद आपके यहाँ कंपनी के आदमी आएंगे और वो लेके जाएंगे और आपको पेमेंट भी करेंगे। और इसको सेल करने के और भी मैं कई तरीके आपको बताने वाला हूँ। इसको सेल करने के लिए आप इसको अच्छे से पैकिंग कर लीजिए, पैकिंग जरूर जबरदस्त करिए, जिससे कि जो चीज़ अच्छी दिखती है वही अच्छे रेट में बिकती है। आप चाहें तो चमकीली पन्नी मार्केट में बनी बनाई रेडीमेड मिलती है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या आपके लिए सस्ता डिब्बा भी पड़ेगा, 5 या 6 रुपये में 100 ग्राम 200 ग्राम का डिब्बा आ जाता है, तो आप उसे लाकर भी इसे पैक करके और मार्केट बेच सकते हैं। अब इसको बेचेंगे कहाँ, तो इसको बेचने के लिए आप किराना की दुकान में सबसे ज़्यादा बिकता है, उसके बाद मेडिकल स्टोर में बिकता है, और उसके बाद कोई भी जनरल स्टोर हो वहाँ भी बिकता है। कॉस्मेटिक का जो दुकान होती है, कॉस्मेटिक वाली दुकान, वहाँ भी इसकी अच्छी खासी सेल है। और इसे जाकर आप दुकानों में डायरेक्ट बेच सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से भी इसको बेचने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉकिट्स को दें, मतलब जो थोक के व्यापारी होते हैं उनको ये पाउडर दे दें, तो ये वो लोग फुटकर वालों तक पहुंचा सकते हैं। ये रहा ऑफलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको मैं 3-4 साइट बताऊंगा। अगर आप 3-4 वेबसाइट में फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा आपका, कुछ भी नहीं करना है आपका, ना ही आपका पैसा लगेगा, सिर्फ आपको गूगल में जाना है और
तीन वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक अमेजोन है, एक फ्लिपकार्ट है, एक स्नैपडील है। अगर तीन वेबसाइट में फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपसे वो पूरी जानकारी पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, और इससे ये आपसे पैसा बिल्कुल नहीं लेगा। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और इन तीन कंपनियों में रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा फोटो डालने का, तो आप अपने प्रोडक्ट की अच्छे से फोटो खींच लें। अगर अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप स्टूडियो में जाकर उस फोटो खींचवा लें, सिर्फ एक बार खींचना पड़ेगा, और एक प्रोडक्ट की चारों तरफ से फोटो ले लें और उस फोटो को सीधे आप वेबसाइट में डाल दीजिए, आपके पास ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। और इतना ज़्यादा ऑनलाइन आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आपके पास इतना ऑर्डर आने लगेगा ऑनलाइन ही। अगर आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हैं, दुकान दुकान में नहीं बेचना चाहते हैं, या कॉस्मेटिक की दुकान, मेडिकल की दुकान, या जनरल स्टोर या किराना की दुकान में आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ऑनलाइन भी बेचेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को दे नहीं पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो ऑल वर्ल्ड ग्लोबल दिखाता है कोई भी प्रोडक्ट। जैसे आप अमेजोन में डालेंगे तो मान लीजिए अगर कोई अमेरिका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, भूटान में बैठा है, बांग्लादेश में बैठा है, इंडिया में बैठा है, या हांगकांग, जहां भी है दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो अगर आपकी पिक देखता है और उसे अच्छा लगता है तो तुरंत वहीं से ऑर्डर कर देगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, तीनों कंपनियां जो भी होंगी जिसमें भी आपका ऑर्डर आएगा, तो वो कंपनियां आपको फोन करेंगी, आपके पास आएंगी, आपके यहाँ से माल उठाएंगे और आपको पेमेंट करेंगी। कभी कभी होता है कि कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत लोग करते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो कंपनी वाला आएगा अमेजोन का, उसे आप प्रोडक्ट दे दें, जैसे ही वो पेमेंट मिलेगी डायरेक्ट आपके अकाउंट में अमेजोन डाल देगा। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ी कंपनी है, स्नैपडील भी बहुत बड़ी कंपनी है, इनका ग्लोबलाइजेशन काम होता है, पूरे दुनिया में इनका काम चलता है। तो इस माध्यम से दोस्तों आपको मैं बेचने के लिए भी कई तरीके बता दिया। आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि एलोवेरा का पाउडर कैसे बनाया जा सकता है, बहुत ही सरल तरीके हैं। पहला तो आप मशीन के माध्यम से बना सकते हैं, दूसरा आप हाथ से काटकर और धूप में सुखा दीजिए, सिर्फ 24 घंटे आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। जैसे आज सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे तक आप काट दिए, उसके बाद धूप में डाल दिए, शाम तक पूरी तरह सूख जाएगा। उसे देख लें जैसे पपड़ी पपड़ी, वो अपने आप पता चल जाता है आपको कि सूख गया है कि नहीं सूखा। और अगर नहीं सूखा तो दूसरे दिन फिर से आप धूप में रख दें, तो 2 दिन में तो 100% सूख ही जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको और ज़्यादा फास्ट अगर काम करना है, आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप ओवन में भी इसे सुखा सकते हैं। ओवन में 10 से 15 या 20 मिनट में ये सूख जाता है। इसको आप पूरा काटेंगे और ओवन में रख देंगे, 15-20 मिनट में वो एकदम ड्राई होकर आ जाएगा, और उसके बाद मिक्सर या ग्राइंडर के थ्रू इसे पीस लें। और अच्छी पैकिंग का विशेष ध्यान रखें कि अच्छी पैकिंग रखें, और इसके बाद आप इसके फोटो अपलोड कर दें वेबसाइट में। और अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो एक लड़का रख लें, और नहीं तो आप खुद मार्केट में जाकर मार्केट से भी अच्छा खासा सेल निकाल सकते हैं, और ऑनलाइन तो सेल आएगा ही आएगा। ऑनलाइन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सीधे आपके घर में लोग आएंगे, कंपनी के लोग आएंगे और आपके घर से प्रोडक्ट उठा ले जाएंगे और आपके अकाउंट में आपको कैश पेमेंट कर देंगे। और तीन कंपनियां बहुत ही रिप्यूटेटेड कंपनी हैं जिनके ऊपर आप 100% विश्वास कर सकते हैं, ये कंपनियां बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। हाँ, फ्रॉड कंपनियों से जरूर आपको बचना है, इसलिए मैं आपको तीन कंपनियों का नाम बताया हूँ जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अमेजोन है, एक फ्लिपकार्ट है, एक स्नैपडील है। इन तीन कंपनियों में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो तीन कंपनियों से ही इतना ऑर्डर आपके पास आ जाएगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसमें टोटल खर्चा लगेगा 80 रुपया, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिकेगा 2740 रुपये किलो। 80 रुपये का प्रोडक्ट 2740 रुपये बिकेगा, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा बिजनेस आपको पूरे YouTube में कोई भी नहीं बताने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि एलोवेरा का लोग जेल तो जानते हैं, और एलोवेरा का जेल निकालना बहुत ही आसान होता है, पाउडर भी बनाना आसान होता है, लेकिन पाउडर के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन पाउडर यूज करने के लिए बहुत ही आसानी से उसे यूज किया जा सकता है। जैसे आप फेस पैक बना लेंगे, फेस पैक अगर लगाएंगे तो 7 दिनों के अंदर जबरदस्त आपके चेहरे में बदलाव आएगा। आपकी अगर खुजली हो रही तो आप थोड़ा सा पानी में एलोवेरा का पाउडर मिलाकर और पूरे बॉडी में तेल की तरह आप लगा के थोड़ा सा मालिश कर लें, आपकी खुजली 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। ये आपको अगर बिलीव नहीं होगा तो आप खुद ही करके देखिएगा। मैं तो यूज ही करता हूँ और मेरा बड़ा विश्वास है एलोवेरा में, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़बरदस्त है उसका रिजल्ट है। दूसरी चीज़, आपके चेहरे में फुंसी फोड़िया अगर कोई भी झाई वगैरह हो तो इसका भी फेस पैक आप लगाएंगे तो इससे भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसका बालों में भी उपयोग कर सकते हैं, बालों में नहाने के पहले पाउडर का आप लेप बना लें, उसके बाद बालों में लगा लें और उसको आधा घंटा तक छोड़ दें, और उसके बाद आप बाल को धो लें। इससे आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे, स्मूथ बाल हो जाएंगे, एकदम हल्के बाल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बाल बहुत मजबूत होंगे, और बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद नहीं होंगे, और बाल धीरे धीरे काले होने चालू हो जाएंगे, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ेंगे भी नहीं।
और बाल उगना भी चालू हो जाएंगे। बहुत जगह बाल अगर नहीं होते हैं तो उगना भी चालू हो जाएंगे। यही सारे इसके बहुत सारे अद्भुत रिजल्ट हैं, इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन इसकी सेल बहुत ही बड़े स्तर पर और बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा बिजनेस आइडिया था, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, और इसके माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और एक दिन में 10,000 से लेकर 20,000 तक कमाना भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है और इससे आप कमा भी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वीडियो बनाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय।